हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की असाइनमेंट कार्य पत्र 9 करेंगे, हिंदी का कक्षा 9th का और 18th अगस्त का। इसमें दो बैलों की कथा का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। जूरी प्रातकाल सोकर उठा। जूरी किसी आदमी का नाम है तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह महे स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो जाते हैं और तालियां बजा बजा कर उन लोगों का स्वागत करते हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय कर लिया दोनों पशुवीर को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी लाया, तो इस तरह से सबने उन्हें कुछ ना कुछ दिया। अब प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किससे लिया? दो बैलों की कथा से। प्रातः काल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैले चरनी पर खड़े हैं। बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। किसकी आंखों में विद्रोह मही स्नेह झलकती? झूरी की नहीं, बच्चों की नहीं, प्रेमचंद की नहीं, दोनों बैलों की। तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगा और क्यों? कौन करता है? तालियां बजाकर सभी लोग बैलों का स्वागत करने लगे, क्योंकि हीरा और मोती गाय जो थी वो गया के घर से भागकर वापस अपने मालिक झूरे के घर आ गई थी। गया के घर उन्हें छोड़ा गया था और वो दोबारा अपने मालिक के घर आ गई। तो इस तरह से ये वर्कशीट हम करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।